पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पानी को लेकर जंग छिड़ गई। एबीवीपी छात्रों और सरकारी चिकित्सकों के बीच अस्पताल में बहते हुए पानी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोपी की दोनों पक्षों के बीच अस्पताल में मारपीट हुई। अस्पताल में तोड़फोड़ का भी आरोप छात्रों पर लगा है। मामला बढ़ा तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कार्रवाई को लेकर दोनों पक्ष धरने पर बैठ गए। वहीं विवाद के बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप कर दी गई। पानी को लेकर जंग का पूरा मामला यूपी के संभल जिले की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। बताते हैं कि आज अस्पताल में पानी बहने की सूचना पर कुछ छात्र अस्पताल पहुंचे और पानी बहने का अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संतोष से विरोध किया। आरोप है कि इसी बात को लेकर छात्रों और चिकित्सा प्रभारी के बीच जमकर नोकझोंक के दौरान मारपीट हो गई। आरोपी के गुस्साए छात्रों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में विवाद के बाद स्टाफ भी एकत्र हो गया। आरोपी की चिकित्सा प्रभारी के साथ मारपीट से गुस्साए अस्पताल स्टाफ ने छात्रों को कक्ष में बंद कर बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। वार्ता के लिए पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई, लेकिन वहां उनके बीच बात नहीं बनी और वहां भी हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठी आना पड़ा। गुस्साए छात्र बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विशाल चौहान के नेतृत्व में कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन ने आला अधिकारी भी पहुंच गए और कार्रवाई की बात कहकर गुस्साए लोगों को शांत कराया। करके घर पहुंचे तभी एक छात्र का मेरे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे पानी बह रहा था, उसने उसका वीडियो बना लिया है और जब बनाया उसने बंद करने के लिए कहा तो किसी मेडिकल स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की और उनको बंद कर दिया, दो छात्रों को। तो फिर जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि छात्र भी इकट्ठे हो गए और छात्रों ने भी डॉक्टर जो हैं उनके साथ हाथापाई हो गई स्टाफ की। तो अभी हम लोग कोतवाली आए हैं, दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी जा रही है और वो पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई करेंगे। बताया गया है कि कुछ बाहर का स्टाफ भी आया था, उन्होंने माननीय डॉक्टर को संतोष को मारा गया है। ये तो सभी लोग इकट्ठे हो गए थे, पहले शुरू में तो छात्रों को मारा था। कोई वीडियो वगैरह भी है पिटाई? हाँ, वीडियो छात्र पानी जो हुआ था उसकी भी वीडियो और जो छात्रों को पीटा इन्होंने पीटा है उसकी भी वीडियो है। अभी देखते हैं, वो सारी चीजें आएंगी और उसी के अनुरूप कार्रवाई, दोनों पक्षों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नहीं हुई, घटना ये थी कि जैसे नाली साफ करने के लिए हम लोगों ने ब्लॉकर्स खोले तो ये वीडियो बना रहा था, तो ये आया कि मैडम नाली खुली, वो पानी चल रहा है। कौन था वो लड़का? वो क्या था, किसी विवाद से जिसके फादर पकड़े गए? बाद में वो 7-8 लड़के आए थे, फिर हमने उससे कहा हम चाबी अभी हमने कहा हम खुलवा रखी, उसके बाद में बंद करवा दूंगे, अभी सफाई हो रही है। फिर वो 2-3 लोगों के पास गया, वो सबने यही कहा कि नाली साफ हो रही है, नाली साफ होने के बाद हम बंद करवा देंगे। फिर ये सर के पास गया, सर के पास जाने के बाद इन लोग 5-6 इनमें बुलवा लिए लड़के, तो एक लड़का उसमें से हम लोग बाहर खड़े थे, बोले साले पानी बहा रहे हैं अभी इनको आग लगा देंगे अस्पताल, तो जो जूता निकाला ना तो हम लोग अंदर भाग गए। इतनी देर में तो वो सर के ऊपर हाथापाई, सर को इन लोगों ने पीछे फिर वो 5 उसके फादर आए, उसके फादर ने हाथापाई हम लोगों को। सर का, तुम्हारे सर का नाम क्या है? डॉक्टर संतोष। तो डॉक्टरों ने लड़कों को मारे भी? नहीं, किसी ने नहीं मारा। जब डॉक्टर को पता नहीं चला उनके केबिन में, उन्हें यही बात पता नहीं चली बात क्या है। और भी किसी साथ हुई क्या बात? डॉक्टर साहब को मारा, फिर हम लोग सब वही विवाद जो हुआ है वो पानी के ऊपर जी, पानी वेस्ट जा रहा। हाँ, की वेस्ट जा रहा, जबकि हमने उससे कह दिया नाली साफ हो रही है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, नाली के लिए मैंने खोलवाया है। ऐसा किसी से कोई नहीं हुई थी भाई, नोडल अधिकारी आ रहे हैं जो संभल में, तो उनके लिए मतलब जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो सब सही कराने जा रहे थे। तब तक मैं तो अपने ऑफिस कार्य निपटा रहा था, उस बीच में कुछ मतलब एक जो पिंक शर्ट वाला है उसकी गाड़ी भी बरामद हुई है हॉस्पिटल पे, वो लोग आए और वो घुसाए, उन्होंने मारपीट मेरे साथ करने लगी, कुछ अब्लेक वगैरह फाड़ दिए और कुछ कांच वगैरह भी तोड़ दिए। ये हुआ वहाँ पे। अभी आपको कार्रवाई करना है? रिपोर्ट दे दी है लिख के, पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट, मैं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करे, आश्वासन दिया है पुलिस ने। मुझे तो इस प्रकरण में ये मालूम चला है कि ये लोग सफाई व्यवस्था अपनी कर रहे थे और नाली में कुछ कूड़ा जमा था, उसको कूड़े को निकाल रहे थे और पानी के ऊपर लेकर कुछ विवाद हुआ है। और फिर डॉक्टर संत वहाँ पर जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनसे भी कुछ अभद्रता हुई है, और उसके बाद डॉक्टर संतोष जब अपने कमरे में बैठे हुए थे तो वहाँ पर भी जा कर के कुछ व्यक्तियों ने उनके साथ अभद्रता की है और फर्नीचर को भी इधर उधर फेंका गया है। और मैं स्वयं भी देख के आई थी कि वहाँ खिड़कियों के कांच टूटे पड़े हैं, सारा कमरा बिखरा पड़ा है। जब कुछ छात्रों को पीटा गया ऐसा कुछ सुनने में आया है? नहीं, ये मेरी कोई जानकारी में नहीं है, छात्रों के साथ तो कुछ भी इस तरह का नहीं किया गया।
छात्र या जो भी व्यक्ति वो रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ? कार्रवाई ये है कि ये लोग सब कोतवाली में आए हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट के लोग और अपनी तहरीर लिख के दे रहे हैं। आपके स्टाफ ने बताया है कि यहाँ पर जो धरने पे बैठ गए मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। कौन धरने पे बैठ गए? जो डॉक्टर लोग हैं। नहीं डॉक्टर कोई, सब लोग यहाँ हैं सेवाएं जेके जो है, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं, हमारे एसीएमओ भी इसीलिए कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का समाधान हो और मरीजों को कोई परेशानी ना। अच्छा, छात्रों का आरोप है कि जो जल संरक्षण के उद्देश्य से जो जल बह रहा था फालतू, उसकी शिकायत हमको महंगी पड़ी है इन लोगों ने, इसलिए हम सब विद्या नहीं उसकी देखिए इतना तो सभी समझते हैं कि जल को बचाना चाहिए, है ना। और कोई इस तरह से हम लोग भी अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए बैठे हुए हैं, जल भी हमें बचाना है, पर्यावरण की भी रक्षा कर ली है, तो सभी समझते हैं इस बात की महत्ता। और अगर आपस में कुछ है भी तो उसको इस तरह से अमर्यादित व्यवहार या आपस में लड़ाई झगड़ा करके उसका समाधान नहीं होता। अगर कोई समस्या थी, चाहे पानी बह रहा है या कुछ इस तरह की घटना है, तो जा कर के डॉक्टर संतोष से उनके सामने इस बात को रखा जाना चाहिए था और उसका समाधान होना चाहिए था।